हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इन कंटिन्यूएशन टू माय प्रीवियस वीडियो दैट इज ओवरव्यू ऑफ शेंजेन वीज़ा, हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। अगर हमारा शेंजेन वीज़ा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है तो हमें एक इनविटेशन लेटर फ्रॉम आवर बिजनेस पार्टनर इन जर्मनी लेना होगा। ये इनविटेशन लेटर बिजनेस पार्टनर के लेटर हेड पे होना चाहिए। उस लेटर हेड पे वो हमारा पूरा नाम, हमारा बिजनेस एड्रेस, हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस, हमारा प्लान ऑफ ट्रिप फ्रॉम डेट टू डेट, ये सब लिखेगा। इन एडिशन टू दिस, बिजनेस पार्टनर को ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये ट्रिप कौन फंड करेगा, ये बिजनेस पार्टनर फंड करेगा या फिर जो इंडियन बिजनेस पार्टनर है, जो इंडिया से जर्मनी के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा है वो फंड करेगा। दैट बिजनेस पार्टनर विल मेंशन क्लियरली इन दिस इनविटेशन लेटर एंड देन ही विल साइन इट एंड स्टैम्प इट एंड ही विल पुट अ डेट ऑन दिस इनविटेशन लेटर एंड देन वो उसको बाय पोस्ट हमें हमारे एड्रेस पे भेज देगा। अगर आपको बहुत जल्दी है और अभी आपके पास बाय पोस्ट चिट्ठी नहीं पहुंची है तो आप शेंजेन वीज़ा ईमेल के ज़रिए जो आपके पास इनविटेशन लेटर आया हुआ है उसकी स्कैंड कॉपी और लेटर ईमेल जिस पे इनविटेशन लेटर अटैच करके भेजा है वो दोनों आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में लगा सकते हैं। अब रहा नंबर टू, आप शेंजेन वीज़ा फॉर फैमिली रीयूनियन के लिए जा रहे हैं, फैमिली विजिट और फ्रेंड्स विजिट। इन दैट केस इनविटेशन लेटर हैज़ टू कम फ्रॉम अ पर्सन रिजाइडिंग इन जर्मनी और अ फ्रेंड रिजाइडिंग इन जर्मनी। इस केस में भी जो लेटर होगा, इनविटेशन लेटर हैज़ टू कम फ्रॉम द पर्सन जो कि जर्मनी में रह रहा है, आपका फैमिली मेम्बर या आपका फ्रेंड। इस लेटर में वो ये लिखेगा कि किस डेट से किस डेट तक वो अपने फैमिली मेम्बर को इंडिया से बुलाना चाहता है, उसका क्या नाम है और उसकी क्या इंटेंशंस हैं कि वो किस पर्पस के लिए बुलाना चाह रहा है, और ये भी लिखेगा कि ये जो उसकी ट्रिप है जिसको वो इंडिया से बुला रहा है, इस ट्रिप को फंडिंग कौन करेगा, या तो वो खुद स्पॉन्सर करेगा इस ट्रिप को या फिर जो शेंजेन वीज़ा अप्लाई कर रहा है वो खुद अपने आप अप्लाई करेगा। कहने का अर्थ ये हुआ, हु विल फंड द ट्रिप हैज़ टू बी क्लियरली मेंशन्ड इन द इनविटेशन लेटर। उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशंस दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर लेटर में ये लिखा कि फैमिली विल अफोर्ड द एंटायर ट्रिप या पार्शियल ट्रिप, तो वो मेंशन कर दे, उसके अकॉर्डिंग ही उसके डॉक्यूमेंटेशंस भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। जैसे अगर आपका बेटा वहाँ पे रहता है जर्मनी में और वो यहाँ से अपने पेरेंट्स को बुलाता है, तो इन दैट केस इनविटेशन लेटर के साथ में वो ये लिखेगा कि मैं अपना सैलरी स्लिप अटैच कर रहा हूँ, मैं अपना बैंक अकाउंट अटैच कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, और वो ये भी लिख सकता है कि मैं अपना रेंटल एग्रीमेंट भी अटैच कर रहा हूँ, जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि जो पेरेंट्स को मैं बुला रहा हूँ या फ्रेंड्स को बुला रहा हूँ उसके लिए मेरे को रखने के लिए एकोमोडेशन भी है और उसका खर्चा करने के लिए सफिशेंट फंड्स भी है, तो उस केस में वीज़ा मिलना और आसान हो जाता है। और अगर ऑन द अदर हैंड अगर आपके पेरेंट्स वेल टू डू हैं और वो आपसे खर्चा नहीं कराना चाहते, तो इन दैट केस फैमिली मेंबर या जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई हम किस तरह से फंड कर रहे हैं। उस फंडिंग को दिखाने के लिए उसको अपना बैंक स्टेटमेंट, जो मैंने बताया था पिछली बारी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा देगा, जो कि बैंक से एंडोर्स करानी पड़ेगी। अपनी FDs हैं तो उसकी कॉपी लेके उनको भी एंडोर्स करा ले बैंक से, तो बस हो गया काम।
फंडिंग हो गई। और इसके अलावा व्हाट आई मीन टू से इज कि बेसिक जो दो चीज़ें इनविटेशन लेटर्स फॉर अ बिजनेस पर्पस एंड फॉर अ फैमिली पर्पस, ये दोनों इनविटेशन लेटर्स की मैंने तरीका आपको बता दिया है। आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में उसी तरह से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं। अभी एक क्वेश्चन जो बचा वो ये कि जो हमें वीज़ा अलाउ, जब हमें वीज़ा एलोकेट करती है एम्बेसी, उसमें वो नॉर्मली क्या करते हैं कि 15 दिन एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं आपको। हालांकि शेंजन वीज़ा मिलता सिर्फ 90 डेज के लिए है, मगर वो एलोकेशन डेट्स हैं वो 15 दिन थोड़ा एडिशनल दे देते हैं आपको। वो एडिशनल देने का मेन पर्पस ये होता है कि सपोज इन केस ऑफ एनी कंटीजेंसी आपका प्लान आगे पीछे हो जाए तो उसको कवर अप करने के लिए। मगर ये आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप 90 डेज से ज़्यादा वहाँ पे ना रह सकते हैं और ना आपको रुकना चाहिए, बिकॉज इट एड्स अ बैड नेम टू योर ट्रैवल हिस्ट्री। इसके अलावा एक जो पॉइंट पिछली वीडियो में रह गया था वो कि आपके साथ में अगर सपोज आपके छोटे बच्चे हैं, इन दैट केस आपको क्या करना है। 18 साल से छोटे बच्चों का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स को साइन करना होगा, मदर को और फादर को, या फिर उस बच्चे का कोई गार्जियन है तो उसको। और ये भी मैंने बताया, ये शायद बताया कि नहीं बताया, कि जो बच्चों की फ़ीस होती है वो फीस भी आधी होती है। अगर सपोज हमारी 80 यूरो है तो बच्चों की 40 यूरो है, और 6 साल से छोटे बच्चों की कोई फीस नहीं है शेंजन वीज़ा के लिए। फिर एक पॉइंट ये भी है कि अगर दैट पॉइंट व्हाट आई एम मिसिंग आउट सम पॉइंट, या देर इज वन अनदर वीज़ा लाइक विच इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म वीज़ा, एनुअल वीज़ा। इन दैट केस एनुअल वीज़ा में क्या होता है कि आपको लंबे टाइम का वीज़ा एलोकेट कर देते हैं, मगर उसमें कंडीशंस वही होती हैं कि आप किसी 180 दिन में से 90 दिन के लिए ही शेंजन एरिया में जा सकते हैं। मगर उसमें ये फ़ायदा ये होता है कि आपको एप्लीकेशन फीस, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बार बार नहीं करना पड़ता। इन दैट केस आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपकी फर्स्ट विजिट की देनी पड़ती है आपको, मगर ये एंडोर्स करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कि हाँ बाकी ट्रैवल प्लान्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा वो लेके जाएंगे, दे आर अवेयर ऑफ इट। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मैंने आपको मोटे तौर पे डॉक्यूमेंटेशंस क्या होंगी, क्या प्रोसेस प्रोसीजर है, ये सब मैंने बता दिया है। अगली वीडियो में हम एप्लीकेशन फॉर्म्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप डूइंग गुड।